चलिए चलते हैं जल्दी से, और देर नहीं करते हैं। ये जंगल बहुत अजीब अजीब आवाज निकाल रहा है, बता रहा हूँ मैं ना, बता रहा हूँ आपको, मेरी फटी पड़ी है। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक व्लॉगन के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वक्त मैं चढ़ रहा हूँ चढ़ान, एक ऐसी जो नारगढ़ की पहाड़ी की ओर ऊपर जाती है। और पीछे देख रहे हैं आप नारगढ़ किला है, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा जयपुर शहर है जो यहाँ से लेके वहाँ तक बसा हुआ है। ओ भाई, अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है, और ये व्लॉग मैंने यहाँ से शुरू किया है, इस चढ़ान से ही। और मैंने सोचा कि पहले बना लेते हैं, लेकिन यार पहले क्या बनाएं समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं चलकर शुरू कर दिया जाए व्लॉग्स का। और भाई अभी चढ़ान बहुत चढ़नी है, और आगे पता भी नहीं दरवाज़ा खुला है कि नहीं, तो व्यू करवाते हैं चले आपको नारगढ़ का। और हो सकता है मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुकने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाला हूँ इस जगह का। चल चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग बिना किसी देरी के साथ। आवाज़ मेरी आ रही है ऊपर तक, आओ भाई, हो हाथी लाना पड़ेगा खींचने के लिए मेरे को ऊपर की ओर, मैं तो थक गया। और आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं चढ़ रहा है इस, क्योंकि दूसरा रास्ता है ज़्यादा कर उसी से जाते हैं, और उस रास्ते बहुत सारे पॉइंट और व्यू आते हैं जो सनसेट का सनराइज़ का, तो लोग वहाँ रुकते हैं रेस्टोरेंट और वगैरह। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस खड़ी चढ़ान है जो मेरे जैसे नौजवानों के लिए है। ओए होए 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 भाई, ओए मेरी तो दुनिया ही गोल होगी, गोल गोल चढ़ता चढ़ता, वैसे तो दुनिया ही गोल थी सभी की, बस आस पता चला है कि वाकई में दुनिया गोल है। ओ भाई, और बस मैं पहुंच गया हूँ, पास में ही हूँ, उसके बाद 2-4 घंटे रेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं, उसके बाद आपको व्लॉग बना के दिखाऊँगा हिम्मत मार के, बस चलो कोई। तो फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ, वेलकम बैक। और इस वक्त मैं खा रहा हूँ भेल मूड़ी, और जैसे कि मैं उससे नारगढ़ से तो बाहर आ गया हूँ जो किला है मेन, और वैसे नारगढ़ पर ही हूँ और इधर घूम रहा हूँ, बस फिर रहा हूँ, और इसके बाद देखते हैं कि रात तक रुकेंगे ऐसे बताया, करीबन 10 बजे तक खुला रहता है। बहुत दिखी है ये मूड़ी, तो 10 बजे तक खुला रहता है, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यहाँ रुकेंगे अभी, मतलब इतनी धूप है लेकिन फिर भी धूप नहीं लग रही है क्योंकि बहुत ऊपर हूँ और ठंडा माहौल है पूरी, और चारों तरफ जंगल है और शानदार नज़ारे हैं, मतलब यार यहाँ आके आनंद आ गया। मैं पूरे टाइम से सोच रहा था नारगढ़ जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन यहाँ आकर है ना मज़ा आ गया। तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, और फाइनली मैं सनसेट पॉइंट आ चुका हूँ, लेकिन ये वैसे तो मैंने यहाँ पे कैमरा अपना सेट कर दिया है, लेकिन मुझे ये मतलब कहीं से भी मतलब वो नहीं लग रही क्या सनसेट वाली जगह, क्योंकि वहाँ माना थोड़ा सा व्यू आ रहा है लेकिन ये पेड़ और वगैरह बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हैं, और जयपुर जो शहर है वो बहुत दूर है यहाँ से, थोड़ा सा ये पहाड़ी और ऊपर होती, और ये अगर मतलब पेड़ भी थोड़े से यहाँ से जो ये आगे वाले हैं वो कटे हुए होते तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता। और इस वक्त बादल आ रखे हैं और सूरज कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने इसमें, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना बढ़िया जितना अच्छा मैं दे सकूँगा टाइम लैप्स लेने की, वो कोशिश कर रहा हूँ। और इस वक्त जैसे कि यहाँ से मौजूद है पूरा ये पीछे वाला जयपुर शहर, और इन्जॉय करते हैं यहाँ पर बैठकर अपने टाइम को, लेट्स गो।
तो यार फाइनली मतलब पहाड़ों पर बैठकर इस वक्त मैगी और होती ना, मैं रियली मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आता था मेरे को मैगी और चाय। यार क्या ही आनंद होता। मैं लेके नहीं आया कुछ सामान, और पानी की बोतल लेके आया हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, कुछ भी नहीं लेके आया। बस थोड़ी सी देर हो रहा है, सूरज करने वाला है, और क्या करें क्या बताएं, मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बस कोई गोश्त जानवर हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बस भूतिया बातिया कुछ नहीं होना चाहिए, कि वैसे तो डर नहीं लगता। बाकी ऊपर वाला ही, जय श्री राम। तो सनसेट तो हो चुका है लेकिन यहाँ से व्यू नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इसको कैमरे को हटा के उस साइड दूसरी साइड ले जाता हूँ, जहाँ पे सिटी की लाइटें जगने वाली है इस वक्त, और ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, और आपको यहाँ से मैं व्यू तो करवा नहीं पाऊँगा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो यहाँ से क्या, मैंने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, पहले मेरा कैमरा उधर सेट था, वहाँ से मैंने यहाँ पे इस साइड सेट किया है कि सिटी का जो लाइट का है वो व्यू आ जाए। अगर यहाँ से भी नहीं आएगा तो मुझे वो उधर आगे टावर दिख रहा है वहाँ जाना होगा, वहाँ से मैं ट्राई करूँगा लास्ट। अगर वहाँ से भी नहीं आएगा तो मुझे लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन बचेगा घर जाने का, ठीक है। और ज़्यादा मैं इससे कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकता, और अकेला हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। तो यार पीछे सारा जंगल है मेरे, आगे भी जंगल है, और करीबन अभी जयपुर से मैं कम से कम 7 या 8 किलोमीटर दूर हूँ, और यहाँ से वो भी ऐसा दूर हूँ कि पैदल हूँ, ठीक है, और पैदल जाना है मेरे को इसके बाद। तो यार हो जाए आज आर या पार, ठीक है, आज डिसाइड कर लिया आर या पार, क्या हो जाऊँगा मैं बर्बाद। तो एक घंटा कुछ फ़र्क पड़ने वाला अपन को, तो यार इन्जॉय करो जितना लाइफ को इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पे बैठे यार इतना ही याद आ रहा है, बस लाइफ को इन्जॉय करो जितना आप कर सकते हो, बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो जैसे मैं करता हूँ। अपने व्लॉग्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर देता हूँ कि बना नहीं पाता, काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार ये व्लॉग्स डालता हूँ मैं, नारगढ़ जाता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहा था यहाँ पे, और अब फाइनली आ गया, और कोशिश कर रहा हूँ सारी बनाने की। और 3:30 बजे निकला था मैं घर से, और 3:30 बजे निकला, बहुत ज़्यादा धूप थी, कम से कम यहाँ वहाँ से मेरे घर से लेके 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ पे मैंने चढ़ान चढ़ी, करीबन 2-3 किलोमीटर की चढ़ान थी, वो चढ़ने के बाद आगे आया 5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर जो ये मंजर है उसका इन्जॉय किया, लाइफ इन्जॉय की, जो मोमेंट्स है जो मेरे अंदर है अब, ठीक है, तो इनको मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता, इनको बयान नहीं कर सकता। और ये व्यू की रही बात जो आप लोगों को दिखाना और करना है, यार ये जो सिनेमेटोग्राफी बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं लोग, ठीक है, बहुत लोग मतलब क्रिएटिविटी करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब लाइफ को एंजॉय करते दिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं व्लॉग्स में चलती रहती है, बहुत सारे बनाते हैं और करते हैं, लेकिन यार मेरे को जो करना है, दरअसल मेरे को जो करना है वो मैं करना चाहता हूँ, और बस मैं चाहता हूँ कि यार मेरे साथ लोग जुड़े रहें, इसी तरह जुड़े रहें जो मैं दिखा रहा हूँ। अगर वो नहीं पसंद आ रहा तो यार, अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो आपको वो तो है नहीं कि भाई ज़बरदस्ती भाई नहीं यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, ठीक है। लेकिन यार देखो मैं यहाँ से बताऊँ ना, अभी मैं जहाँ जिस जगह बैठा हूँ, इस जगह कोई भी नहीं है, ठीक है, इस जगह कोई भी नहीं है, और मैं अकेले बैठा हूँ और इस व्यू का आनंद ले रहा हूँ। इधर आप देखोगे इधर आपको दिखाई देगा जयपुर शहर, इधर आप देखोगे इधर आपको दिखाई देगा जयपुर शहर, लेकिन इधर 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर केवल जंगल है, उसके आगे है जयपुर शहर और पीछे भी जंगल है। तो फिलहाल मैं इन जंगलों के बीच में बैठा हूँ, और इस वक्त सूर्य भी अस्त हो चुका है, लाइटें भी शहर की जग चुकी है, गाड़ियाँ भी नारगढ़ से अब सारी जा रही है, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा केवल अंधेरा और मैं। तो मेरा तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से अब क्या बेस्ट व्यू आ रहा है, और यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। आपको मैं कैमरे में दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल में कितना बेस्ट व्यू ये जो कैप्चर हो रहा है इधर वाला, तो अभी अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, और ये देखिए यहाँ पर मोबाइल के अंदर कितना शानदार ये कैप्चर हो रहा है। तो यार कुछ तो मतलब रुकने का यहाँ पर कुछ हुआ मेहनत, ठीक है, तो चलिए इसको और थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। अभी कम से कम मेरे को 1 घंटे हो चुके हैं इस टाइम लैप्स को शूट करते हुए, और थोड़ा सा टाइम और अभी अपन दे देते हैं, 20 से 25 मिनट, पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है, बस थोड़ा सा और है जस्ट, और शहर की पूरी लाइटें जग चुकी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ फ़ोटोएँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से चलता हूँ मैं, और मेरे कैमरे में फ्लैश नहीं थी इसलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और
जैसा ही अप रोड है वहाँ पर, तो वहाँ चलते हैं अपन। यहाँ पर कहाँ आ गया मैं आप लोगों को व्यू करवाने, लेट्स गो। तो गाइस जैसा कि देख मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, चारों ओर अंधेरा है, इधर भी अंधेरा इधर भी अंधेरा, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती जाती रहती है, और मैं पैदल चल रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ। तो जैसा कि यार दोस्तों यहाँ से व्यू मैंने जैसा सोचा था वैसा ही आ रहा है, यहाँ से व्यू पूरे रात का मतलब गज़ब का आ रहा है, यहाँ से पूरा शहर की लाइटिंग दिख रही है। लेकिन चलो मैंने उधर शूट कर लिया है जैसा भी, अब यहाँ से निकलना होगा, बहुत अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, और ये मैं प्लस मेरे मुँह पर लगा रखा हूँ तो ऐसे ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, घंटा कुछ दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, और देर नहीं करते, ये जंगल बहुत अजीब अजीब आवाज़ निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं ना बता रहा हूँ आपको मेरी फटी पड़ी, चलिए चलते हैं। तो गाइस जब मैं नीचे पहुंच रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा जयपुर शहर मौजूद है। अब नीचे की ओर ये रास्ता है, नीचे की ओर उतरना आएगा, और मैं ऐसे मतलब उतर नहीं सकता क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइटें नहीं लगी हुई, और ये लाइटें जो लगी हुई है वो शहर की है, वो सारी की सारी इधर एक भी नहीं है, तो मुझे फ्लस लाइट बंद करना होगा क्योंकि मेरे को आगे का दिखे इसलिए, और मैं ज़्यादा बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि खड़ी पहाड़ी एकदम, और मुझे वैसे उतरना है। तो यार शानदार बहुत खूबसूरत व्यू है ना, इन्जॉय कीजिए उसका। तो लो यार गाइज मैं पहुंच चुका हूं अब नीचे तक, और अभी ऐसे पूरा नीचे नहीं पहुंचा हूं, अभी थोड़ा सा और रहा है, लेकिन यहां फाइनली लाइटिंग की व्यवस्था है, तो इससे सोचा कि क्यों ना व्लॉग्स बना लिया जाए। और अभी व्लॉग्स वैसे कंप्लीट हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट सारा, और जो भी शूट हुआ है पता नहीं अब कैसा शूट हुआ है क्या हुआ है, और मतलब दो भाई भी मिले थे अभी बीच में मेरे को, और एक का नाम तो मैं भूल गया गुरप्रीत, और एक का नाम मोंटी था, और भाई सिनेमाटोग्राफिक आर्टिस्ट है और काम भी किया हुआ है, बता रहे थे वो कि इक्का के साथ काम किया हुआ है, तो उनसे भी मिला और बातें की और वगैरह, तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई लेकिन नॉर्मली हो गई। और अभी यहाँ से बस उतर कर फिर देखते हैं घर जाने का, कोई मतलब वाहन मिले, वाहन सुविधा उपलब्ध है तो नहीं पता नहीं, क्योंकि मिनी बसें तो ऑलमोस्ट सारी बंद हो चुकी होगी। और अभी के अभी मतलब अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे उतरना है, और है मान लो ये कि 1000 कदम और रखने होंगे उसके। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सिंधी कैंप, और सिंधी कैंप से अभी मेरे को बहुत आगे जाना है, 10-1 किलोमीटर, अभी तक कुछ खाया नहीं है, लिक्विड ही लिक्विड पिया है, तो सबसे पहले सोच रहा हूं मैं कुछ खा लेता हूं, और ई रिक्शा बहुत सारे हैं। अरे भाई चल 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 चल, तो जल्दी से काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, जल्दी से कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई लोकल बस पकड़ के जाना होगा, और काफ़ी सारी भीड़ है, ये तो 24 घंटा चलता है सिंधी कैंप भाई, देखता हूँ यार आस पास कुछ मिल जाए खाने को तो मैं खा लेता हूँ बस।